हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ICAR ASRB नेट एग्जामिनेशन के सिलेबस में से यूनिट 3 मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का एक कंप्लीट टॉपिक क्रीम के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रीम की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रीम, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रीम, फूड एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ क्रीम एंड कंपोजिशन ऑफ क्रीम, प्रोडक्शन ऑफ क्रीम, क्रीम को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे कलेक्ट किया जाता है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ क्रीम ये प्रोसेस क्या होता है एंड कैसे परफॉर्म किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीम, पैश्चराइजेशन ऑफ क्रीम, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्रीम एंड पैकेजिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रीम। उसके बाद जो क्रीम की क्वालिटी है उसको जज या फिर ग्रेड कैसे किया जाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे एंड क्रीम में कौन कौन से डिफेक्ट आ सकते हैं, क्यों आते हैं, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। जब हम किसी भी मिल्क को अनडिस्टर्ब्ड रखते हैं कुछ टाइम के लिए तो उस मिल्क के ऊपरली सतह पर एक मोटी सी लेयर आ जाती है जिसे हम फैटी लेयर बोलते हैं। ठीक है, जो प्रोडक्शन है क्रीम की इंडिया में 1966 वाज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 1.9% ऑफ टोटल मिल्क प्रोडक्शन एंड 3.4% ऑफ मिल्क यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डेयरी प्रोडक्ट। अब हम पढ़ेंगे क्रीम की डेफिनेशन। क्रीम की डेफिनेशन क्या होती है? क्रीम एक ऐसा पोर्शन होता है मिल्क का जिसमें मिल्क फैट है जो रिच होती है। ये वो पोर्शन होता है जिसमें जो फैट होती है, मिल्क फैट, वो गैदर होती है एंड उसमें लार्ज प्रपोर्शन ऑफ मिल्क फैट प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जब उस मिल्क फैट को कंसंट्रेटेड किया जाता है फ्रैक्शंस में ऑफ द ओरिजिनल मिल्क, उस पोर्शन को हम क्रीम बोलते हैं। जब मिल्क फैट को कंसंट्रेट किया जाता है इनटू अ फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल मिल्क, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज अ क्रीम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू PFA रूल, क्रीम एक्सक्लूडिंग स्टरलाइज्ड क्रीम, ये एक प्रोडक्ट है काओ एंड बफेलो मिल्क का या फिर इन दोनों के कम्बिनेशन ऑफ मिल्क का जिसमें 25% से कम मिल्क फैट प्रेजेंट नहीं होती। मतलब कि 25% से ज़्यादा ही मिल्क फैट है जो प्रेजेंट होती है हमेशा क्रीम में। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रीम, क्रीम एक डिफाइनड स्पेसिफिक सब्सटेंस नहीं है। इसमें मिल्क के कॉन्स्टिट्यूएंट्स वेरिंग अमाउंट में, वेरिंग प्रपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। जो मिल्क फैट है क्रीम में वो 18% से लेकर 85% तक वेरी करता है एंड जो सॉलिड नॉट फैट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो लोअर प्रपोर्शन में प्रेजेंट होता है देन मिल्क। क्रीम को क्लासीफाई किया गया है मार्केट क्रीम में एंड मैनुफैक्चरिंग क्रीम में। जो मार्केट क्रीम है ये वो क्रीम होती है जो डायरेक्ट कंसप्शन के लिए यूज़ होती है। मैन्युफैक्चरिंग क्रीम वो क्रीम होती है जिसको डेयरी प्रोडक्ट बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीम की क्लासिफिकेशन यहाँ पे और बताई गई है, जैसे कि टेबल क्रीम, लाइट क्रीम एंड कॉफ़ी क्रीम। जो लाइट क्रीम होती है इसमें 20% से लेकर 25% मिल्क फैट प्रेजेंट होता है एंड ये कॉमनली मिल्क ड्रिंक या फिर कॉफ़ी बनाने के लिए यूज़ की जाती है। जो लाइट क्रीम होती है उसको 10 दिन के लिए उसकी शेल्फ लाइफ होती है अगर हम उसे रेफ्रिजरेटर स्टोरेज टेम्परेचर पे रखते हैं। ठीक है, तो जो कॉफ़ी क्रीम होगी उसमें भी 20% से लेकर 25% मिल्क फैट प्रेजेंट होता है एंड नेक्स्ट इज़ अ व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम ये एक मिल्क प्रोडक्ट है जिसमें फैट कंटेंट 30% से लेकर 40% प्रेजेंट होता है बट इसकी जो व्हिपिंग क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इसको वेफर पाइप्स को फिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। हैवी क्रीम, जो हैवी क्रीम है उसमें भी 30% से लेकर 40% मिल्क फैट प्रेजेंट होता है बट जो इसकी व्हिपिंग को एबिलिटी होती है हैवी क्रीम की वो व्हिपिंग क्रीम से ज़्यादा होती है, गुड व्हिपिंग क्वालिटी होती है एंड इसको मेनली डेकोरेट करने के लिए, केक या फिर पेस्ट्रीज को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज प्लास्टिक क्रीम। प्लास्टिक क्रीम की जो फैट परसेंटेज है वो 85% मिल्क फैट तक होती है एंड इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बटर की तरह होती है एंड इसको चीज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए या फिर फ्रोज़न डेजर्ट प्रेपरेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंपोजिशन ऑफ क्रीम,
इस टेबल में टू क्रीम्स की कंपोजिशन बताई गई है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं, वाटर, फैट, प्रोटीन, लैक्टोज, एश, टोटल सॉलिड एंड सॉलिड नॉट फैट। ठीक है, तो इस टेबल से हमें ऑब्जर्व होता है कि जो फैट की परसेंटेज है क्रीम में, जितनी ज़्यादा फैट की परसेंटेज हाई होगी उतना ज़्यादा सॉलिड नॉट फैट कंटेंट है जो क्रीम में प्रेजेंट होगा। ये इस टेबल में हमें दो क्रीम्स के नाम नहीं बताए गए हैं, जस्ट इतना बताया है कि हमने इसमें दो स्पेसिफिक क्रीम्स ली हैं। ठीक है, तो सॉलिड नॉट फैट जो कंटेंट है उसको डिटरमाइन करने का फॉर्मूला यहाँ पर बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे फूड एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ क्रीम। तो जो क्रीम होती है उसमें एनर्जी गिविंग फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिंस रिच होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिंस वो होते हैं जो कि फैट में सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई एंड के। तो ये डिपेंड करता है कि क्रीम में कितनी ज़्यादा फैट है, उसी के हिसाब से वेरिंग अमाउंट में ये जो फैट सॉल्युबल विटामिंस हैं वो प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इज़ अ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम पढ़ेंगे क्रीम की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फर्स्ट इज़ अ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? मे बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ लिक्विड टू फ्लो। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ क्रीम फ्रॉम द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है क्रीम की कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंस अ कंज्यूमर जज द रिचनेस ऑफ क्रीम फ्रॉम इट्स विस्कोसिटी। तो जो विस्कोसिटी है क्रीम की वो इफेक्ट होती है कुछ फैक्टर से, जिसमें फर्स्ट है फैट की परसेंटेज। जितनी ज़्यादा फैट की परसेंटेज होगी उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी। टेम्परेचर, द हायर द टेम्परेचर द लोअर द विस्कोसिटी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी कम होगी। सेपरेशन कंडीशंस, द हायर द टेम्परेचर ऑफ सेपरेशन द लोअर द विस्कोसिटी एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट इज होमोजनाइजेशन। सिंगल स्टेज जो होमोजनाइजेशन है उससे विस्कोसिटी इंक्रीज होती है इन डायरेक्ट रिलेशन टू प्रेशर यूज्ड। डबल स्टेज होमोजनाइजेशन में विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाती है। कूलिंग, स्लो कूलिंग ऑफ क्रीम से विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। एजिंग, एजिंग से भी विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज अ क्लंपिंग। क्लंपिंग क्या होती है? जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ क्लंपिंग होगा उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी। क्लंपिंग क्या होती है? ये टेंडेंसी होती है फैट ग्लोब्यूल्स की टू लूजली एडहेयर टू वन अनदर टू फॉर्म क्लंप। ठीक है, और क्लस्टर के जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़कर क्लम्प्स या फिर क्लस्टर्स फॉर्म करते हैं। ये जो क्लंपिंग है वो डिपेंड करती है कि फैट ग्लोब्यूल्स का साइज़ कितना है। अगर लार्ज फैट ग्लोब्यूल का साइज़ है जो लार्ज है तो वो जल्दी क्लम्प्स फॉर्म करेंगे एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर वंस। ठीक है, जो टेम्परेचर है क्लंपिंग का, जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 7 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लंपिंग डिक्रीज होती है जब टेम्परेचर राइज होता है। एजिटेशन, जो फेवरेबल एजिटेशन टेम्परेचर है वो है 7 डिग्री सेल्सियस एंड क्लंपिंग इंक्रीज होती है एजिटेशन से। एट एन अनफेवरेबल टेम्परेचर अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस क्लंपिंग डिक्रीज एंड प्रीवियसली फॉर्म्ड क्लंप आर ब्रोकन अप। मेथड ऑफ सेपरेशन, तो क्रीम को सेपरेट करने का या फिर क्रीम को सेपरेट करने के मेथड्स हैं ग्रेविटी सेपरेटेड मेथड एंड सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटेड मेथड। जो ग्रेविटी सेपरेटेड मेथड है उसमें जो क्लम्प्स हैं टू अ ग्रेटर डिग्री उसमें ज़्यादा होते हैं क्लम्प्स एज कम्पेयर टू सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटेड मेथड। एडहेसिव सच एज जेलेटिन एंड हेल्प इन क्लम्पिंग। तो नेक्स्ट जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है वो है व्हिपिंग क्वालिटी। व्हिपिंग क्वालिटी क्या होती है? व्हिपिंग किसे बोलते हैं? जब हम क्रीम को बीट करते हैं तब तक बीट करते हैं जब तक वो फोर्स या फिर फोम नहीं बन जाती। ठीक है, जो व्हिपिंग क्रीम होती है वो स्पेशल यूज़ होती है, स्पेशल फोम होती है जिसमें स्टेबिलिटी होती है एंड उसको हम केक्स, आइसक्रीम एंड डेकोरेटिव पर्पज़ के तौर पर यूज़ करते हैं। मेन कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि व्हिपिंग क्वालिटी ऑफ क्रीम को इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज फैट परसेंटेज। तो जो मोस्ट सेटिस्फैक्टरी फैट परसेंटेज है वो 30 से लेकर 35% होती है। व्हिपिंग क्वालिटी लोअर प्रोग्रेसिवली अबव 4 डिग्री सेल्सियस। सेपरेशन टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस। एजिंग फॉर 24 टू 4 डिग्री सेल्सियस इज ऑप्टिमम। होमोजनाइजेशन
above 300 psi is detrimental. Acidity reduces progressively and addition of stabilizer reduces and specific gravity, ये depend करती है कि fat की percentage कितनी है, ठीक है। तो इसमें जो effect बताया गया है fat की percentage का cream के ऊपर, ऑफ क्रीम ऑन इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो फैट की परसेंटेज बताई गई है, उसके साथ ही स्पेसिफिक ग्रेविटी बताई गई है। थर्ड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है जी एसिडिटी। तो जो परसेंट टाइट्रेबल एसिडिटी है फ्रेश ड्रॉन क्रीम, फ्रेश क्रीम की, वो कंसिस्टेंट होती है एंड विद द फैट परसेंटेज ऑफ द क्रीम। देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द फैट परसेंट एंड द परसेंट टाइट्रेबल एसिडिटी। जो परसेंट टाइट्रेबल एसिडिटी होती है फ्रेशली सेपरेटेड क्रीम की, वो ऑलवेज लोअर होती है दैट ऑफ द मिल्क फ्रॉम इट वॉज सेपरेटेड, एंड उसको हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला से। तो अब हम पढ़ेंगे क्रीम को सेपरेट कैसे किया जाता है या फिर क्रीम को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल होता है क्रीम की सेपरेशन का, वेदर या तो वो ग्रेविटी या फिर सेंट्रीफ्यूगल मेथड हो, बेस्ड होता है एक ही फैक्ट पे कि जो मिल्क फैट है वो लाइटर होगी स्किम मिल्क पोर्शन से एट 60 डिग्री सेल्सियस पे। जो एवरेज डेंसिटी है मिल्क फैट की वो 0.93 होती है एंड स्किम मिल्क की 1.036 होती है। जब उन दोनों का एक मिक्सचर बनेगा तो क्या होगा, या तो ग्रेविटी या फिर सेंट्रीफ्यूगल मेथड से, तो दोनों कंपोनेंट्स क्रीम एंड स्किम मिल्क डिफर हो जाएंगे अपनी डेंसिटी के बेस पे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे मेथड्स के बारे में। क्रीम को ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम मिल्क बाय आइदर ग्रेविटी या फिर सेंट्रीफ्यूगल मेथड। तो ग्रेविटी मेथड में क्या होता है, मिल्क को अलाउ किया जाता है स्टैंड फॉर सम टाइम, ठीक है, कुछ टाइम के लिए मिल्क को ऐसे ही रखा जाता है। तो उससे देर इज़ अ टेंडेंसी फॉर अ फैट टू राइज। तो उसमें क्या होता है कि जो फैट होती है वो राइज होना स्टार्ट हो जाती है एंड जो वेलोसिटी एंड जिस वेलोसिटी पे जो फैट ग्लोब्यूल्स राइज हो रहे हैं इज़ गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। ये स्टॉक लॉ है, ठीक है, जिसमें वी वेलोसिटी है जिस रेट पे सिंगल फैट ग्लोब्यूल्स राइज हो रहे हैं एंड जी एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, डी एस डेंसिटी ऑफ स्किम मिल्क, डी एफ डेंसिटी ऑफ फैट, आर रेडियस ऑफ फैट ग्लोब्यूल एंड विस्कोसिटी ऑफ स्किम मिल्क। स्टॉक लॉ से ये ऑब्जर्व होता है कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है जब रेडियस फैट ग्लोब्यूल का इंक्रीज होता है एंड इंक्रीज इन डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ स्किम मिल्क एंड फैट, डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ स्किम मिल्क। हाउएवर इन प्रैक्टिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इफेक्टिंग द साइज ऑफ द रेट ऑफ राइज इन ग्रेविटी मेथड्स आर साइज ऑफ फैट ग्लोब्यूल। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं क्रीम को राइज होने में इन ग्रेविटी, फर्स्ट तो साइज क्या है फैट ग्लोब्यूल का, जितना ज़्यादा फैट ग्लोब्यूल का साइज इंक्रीज होगा उतनी ज़्यादा क्रीम राइज होगी। तो इसलिए जो बफेलो मिल्क है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है ग्रेविटी मेथड के लिए, क्योंकि इसमें जो फैट कंटेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू काउ मिल्क। सेकेंड इज़ टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी डिक्रीज होगी एंड वेलोसिटी इंक्रीज होगी। क्लंपिंग, जो क्लंप और क्लस्टर हैं वो एक्ट करते हैं एज अ सिंगल ग्लोब्यूल एज सो फार एज मूवमेंट थ्रू स्किम मिल्क इज कंसर्न, देयर बाय द इफेक्टिंग आर इज इंक्रीज विच इज टर्न इंक्रीज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये इफेक्ट बताया गया है साइज ऑफ फैट ग्लोब्यूल ऑन इट्स रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट मेथड, जो ग्रेविटी मेथड है वो स्लो मेथड होता है, आर नो लॉन्गर यूज्ड कमर्शली एंड इसको कमर्शली हम यूज़ नहीं करते हैं। जो सेकंड मेथड है सेंट्रीफ्यूगल मेथड, इसको कमर्शली इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, मिल्क एंटर करता है रैपिडली रिवॉल्विंग बाउल के अंदर जो कि क्रीम सेपरेटर
है, ठीक है। उसके बाद इमिडिएटली मिल्क को ट्रीमेंडस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिया जाता है जो कि 300 से लेकर 600 टाइम ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। फैट एंड जो स्किम मिल्क है उसको दोनों पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है एंड दोनों की जो डेंसिटी है वो इफ़ेक्ट करती है हैवियर पोर्शन को एंड मोर इंटेंसली देन द लाइट पोर्शन। देयर बाय जो स्किम मिल्क है वो फोर्स हो जाता है पेरिफेरी से वाइल जो फैट पोर्शन है वो सेंटर ऑफ द सेंटर की तरफ है जो मूव कर जाता है। एंड स्किम मिल्क एंड क्रीम बोथ फ्रॉम वर्टिकल वॉल्स विद इन द बाउल एंड आर सेपरेटेड बाय बींग लेड थ्रू सेपरेटर आउटलेट। जो क्रीम आउटलेट है वो हाई लेवल पे होता है देन द स्किम मिल्क आउटलेट बोथ बींग नियर द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं सेंट्रीफ्यूगल क्रीम सेपरेटर के, उसमें आ जाते हैं फर्स्ट इज सप्लाई कैन एंड रेगुलेटिंग चैम्बर, क्रीम एंड मिल्क, स्किम मिल्क स्क्रू, बॉल शेल एंड मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर, क्रीम स्पाउट, स्किम मिल्क स्पाउट, टॉप डिस्क, डिस्क, बाउल नट, रबर रिंग, स्पिंडल एंड सेट ऑफ गियर्स एंड क्रैंक हैंडल्स। तो वेरियस टाइप के क्रीम सेपरेटर यूज़ किए जाते हैं जैसे कि वार्म मिल्क सेपरेटर। जो वार्म मिल्क सेपरेटर होता है वो क्लोजली स्किमिंग होता है, ठीक है, एंड इसकी कैपेसिटी है जो ऑपरेशन की हाई होती है। एंड उसके बाद कोल्ड मिल्क सेपरेटर, पावर ड्राइविंग सेपरेटर, हैंड ड्राइविंग सेपरेटर, ओपन बाउल एंड ग्रेविटी फेड सेपरेटर एंड सेमी इनक्लोज सेपरेटर एंड हर्मेटिकली सील्ड और एयर टाइट और प्रेशर फेड और फोमलेस सेपरेटर। तो इन सब जो सेपरेटर्स हैं उनकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स इस ग्राफ में, इस टेबल में बताई गई हैं। जैसे कि जो कोल्ड मिल्क सेपरेटर है उसमें लेस फॉर्मेशन होती है फोम की एंड विस्कोसिटी बढ़ जाती है एंड हाई क्वालिटी है जो क्रीम की एंड स्किम मिल्क की हमें मिलती है, ठीक है। बट इसकी डीमेरिट्स ये हैं कि ऑपरेशन है जो लोअर कैपेसिटी होती है एंड पार्शियल चर्निंग होती है। ये आप खुद से पढ़ लेना, ये सारे सेपरेटर्स की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं जो बताई गई हैं। अब हमें ये टेबल में बताया गया है कि जो ग्रेविटी सेपरेटर है एंड सेंट्रीफ्यूगल क्रीमिंग मेथड है उन दोनों के डिफरेंट पार्टिकुलर्स को कंपेयर किया गया है। जैसे कि जो स्पीड ऑफ रोटेशन है ग्रेविटी मेथड में वो एक्सट्रीमली स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रीफ्यूगल मेथड, ठीक है। एंड जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो ग्रेविटी मेथड का स्मॉल होता है एंड सेंट्रीफ्यूगल मेथड का जैसे कि लार्ज होता है। अब फैक्टर्स कौन कौन से इफ़ेक्ट करते हैं फैट परसेंटेज ऑफ क्रीम को। फर्स्ट इज़ द पोजीशन ऑफ स्क्रू, क्रीम स्क्रू और जो मिल्क स्किम मिल्क स्क्रू है उनकी पोजीशन क्या है, फैट परसेंटेज क्या है मिल्क की, स्पीड क्या है बाउल की एंड रेट ऑफ इनफ्लो ऑफ मिल्क एंड टेम्परेचर ऑफ मिल्क एंड अमाउंट ऑफ वाटर या फिर स्किम मिल्क जो कि हमने फ्लश करने के लिए बाउल को ऐड किया है। नेक्स्ट इज़ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फैट लॉस ऑफ स्किम मिल्क को इफ़ेक्ट करते हैं। टेम्परेचर कितना है मिल्क का, स्पीड ऑफ बाउल, रेट ऑफ मिल्क इनफ्लो, पोजीशन ऑफ क्रीम सिक्रियो एंड मैकेनिकल कंडीशंस भी इसे इफ़ेक्ट करती हैं फैट लॉस को स्किम मिल्क में, जैसे कि वाइब्रेशन ऑफ द सेपरेटर, कंडीशन ऑफ द डिस्क, अमाउंट ऑफ सेपरेटर स्लाइम इन द बाउल एंड साइज ऑफ द फैट ग्लोब्यूल, डिग्री एंड टेम्परेचर ऑफ एजिटेशन गिवन इन अ मिल्क बिफोर सेपरेशन एंड प्रेजेंस ऑफ एयर इन मिल्क एंड एसिडिटी ऑफ मिल्क। नेक्स्ट है जी कलेक्शन ऑफ क्रीम। तो बटर मेकिंग के लिए हमें क्रीम की कलेक्शन करनी होती है, ठीक है, सेपरेट करने के बाद आती है जी कलेक्शन। तो जो फैक्ट्री बटर है उसको बनाने के लिए हम क्रीम को सेपरेट करते हैं फार्म से ऑन द फार्म एंड फ्रॉम क्रीम सेपरेटर फ्रॉम मिल्क डिलीवर टू द फैक्ट्री। तो जो क्रीम हम यूज़ करते हैं कमर्शियल बटर मेकिंग के लिए उसको कलेक्ट किया जाता है मेनली बाय मोटर ट्रक या फिर लॉरी एंड ईच व्हीकल को के पास एक नंबर होता है, एक रूट होता है, ठीक है, जिससे वो आइडेंटिफाई होते हैं। वाइल द सप्लायर्स ऑफ ईच रूट आर नंबर्ड द कलेक्शन इज डन आइदर बाय क्रीमरी फैक्ट्री इट्सेल्फ और बाय प्राइवेट एजेंसीज हु मे देमसेल्फ रिसीव इन प्रोड्यूसर कैन वेट सैंपल टेस्टेड एंड बल्क इन क्रीमरी ओन कैंस फॉर शिपमेंट टू द फैक्ट्री।
नेक्स्ट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ क्रीम। तो बटर मेकिंग के लिए हम क्रीम की न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सोर क्रीम फॉर बटर मेकिंग रेफर टू पार्शियल रिडक्शन ऑफ इट्स एसिडिटी। ठीक है, जो सोर क्रीम होती है उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं उसकी एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? टू अवॉइड एक्सेसिव फैट लॉस इन बटर मिल्क दैट रिजल्ट फ्रॉम चर्निंग हाईली एंड एसिड पाश्चराइज क्रीम। तो जो एक्सेसिव फैट लॉस है बटर मिल्क का, उसको अवॉइड करने के लिए हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। टू गार्ड अगेंस्ट द प्रोडक्ट ऑफ एन अनडिजायरेबल ऑफ फ्लेवर। तो ऑफ फ्लेवर को प्रोड्यूस ना हो, इसीलिए हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। एंड कीपिंग क्वालिटी है जो क्रीम की, उसको बढ़ाने के लिए हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। कीपिंग क्वालिटी है जो बटर की, उसको बनाने के लिए न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। एंड जो सॉल्टेड एसिड बटर है उसके बाद उसका एक फिशी फ्लेवर होता है जो कि कमर्शली स्टोर किया जाता है -23 से लेके -29 डिग्री सेल्सियस पे। तो उसको डिवेल्प करने के लिए, उस फिशी फ्लेवर को डिवेल्प करने के लिए न्यूट्रलाइजेशन की जाती है। ठीक है, अगर हम क्रीम को न्यूट्रलाइज करते हैं तो जो करेक्ट मेथड है वो फॉलो करना होता है। इससे क्या होता है, ना तो क्रीम अंडर न्यूट्रलाइजेशन रहती है ना ओवर न्यूट्रलाइजेशन होती है। ठीक है, तो इसका मेथड क्या है? तो पहले तो हम डिफाइनेट स्टैंडर्ड है जो चर्निंग एसिडिटी का, उसको अडॉप्ट करेंगे। उसके बाद एसिडिटी कितनी है उसको टेस्ट किया जाएगा। एंड नेक्स्ट जो करेक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रलाइज़र हम ऐड करेंगे, फिर न्यूट्रलाइज़र हम क्रीम का ऐड करने के लिए हम करेक्ट मेथड देखेंगे और ऐड करेंगे। उसके बाद फिर से रीटेस्टिंग करेंगे एसिडिटी की। ठीक है, तो अडॉप्शन ऑफ अ डिफाइनेट स्टैंडर्ड फॉर चर्निंग एसिडिटी, इसमें टू टाइप्स के आ जाते हैं, बटर फॉर लॉन्ग स्टोरेज एंड बटर फॉर अर्ली कंसप्शन। जो बटर फॉर लॉन्ग स्टोरेज होता है इसमें जो एसिडिटी है वो 0.06 से लेकर 0.08 तक है, जो रिड्यूस कर दी जाती है। ठीक है, एंड जो बटर फॉर अर्ली कंसप्शन है उसमें जो क्रीम की एसिडिटी है उसको 0.20 से लेकर 0.30% तक बिफोर चर्निंग रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो एसिडिटी होती है उसको कैसे टेस्ट करते हैं हम, उसका प्रोसीजर अलग से होता है। जैसे कि पहले हम सैंपल लेंगे क्रीम का मिक्स करके। ठीक है, मिक्स करने के बाद हम क्रीम का सैंपल लेंगे, उसके बाद क्रीम को हम बॉयल करेंगे 1 मिनट के लिए, उसके बाद हम उसकी एसिडिटी को टेस्ट करेंगे। ये जो मेथड है वो ओनली स्वीट क्रीम पे लागू होता है। फर्स्ट पार्शली न्यूट्रलाइज एसिड क्रीम विद द नॉन अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड एल्कली एंड उसे हम ट्रीट करेंगे। रिकमेंडेड मेथड है जो एसिड क्रीम का उसको, फिर उसके बाद जो लैक्टिक एसिडिटी है क्रीम की बाय टाइट्रेशन ऑफ फिक्स्ड वेट विद स्टैंडर्ड एल्कली उसको हम यूज़ करके, एंड जो इंडिकेटर है फिनॉल पिथिलीन उसको यूज़ करके हम लैक्टिक एसिडिटी है जो डिटरमाइन करेंगे। जो डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड होती है क्रीम में वो एक्ट करती है एज अ कार्बोनिक एसिड एंड टाइट्रेबल एसिडिटी को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वो रिएक्ट करती है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। एंड बट इट डज नॉट यूटिलाइज एनी ऑफ द कार्बोनेट न्यूट्रलाइजर एडेड, देयर बाय ओवर न्यूट्रलाइजर दी क्रीम। तो करेक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रलाइजर हमें कैसे ऐड करना होता है? पहले तो हम क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रलाइजर जो ऐड करनी है क्रीम में उसकी एसिडिटी को टेस्ट करते हैं। फिर जो फाइनल एसिडिटी आती है डिजायर्ड इन पैश्चराइजेशन क्रीम विद द न्यूट्रलाइजर कंपाउंड यूज्ड, तो ये नेसेसरी होता है कि फर्स्ट जो क्वांटिटी है लैक्टिक एसिड की टू बी न्यूट्रलाइज्ड पर 100 केजी ग्राम केजी क्रीम, देन द अमाउंट ऑफ न्यूट्रलाइजर जो कि हमें ऐड करनी है उसको कैलकुलेट किया जाता है। एंड इसमें दो ग्रुप ऑफ न्यूट्रलाइजर हम ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ अ लाइम, लाइम में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ जाते हैं, एंड सोडा में कॉस्टिक सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट सोडियम सक्सनिक कार्बोनेट ये सारे आ जाते हैं। इन सबको हम इनमें से जो क्वालिटी वाइज अच्छा रहता है उसको ऐड किया जाता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइजर है जो
वो बताया गया है कि थियोरेटिकली 0.93 ऐड करते हैं एंड प्रैक्टिकली केजी में 0.30% है जो क्रीम की एसिडिटी रिड्यूस की जाती है। तो जो करैक्टरिस्टिक क्या क्या होने चाहिए न्यूट्रलाइज़र के, प्योरिटी लाइम की लो होनी चाहिए, सोडा की हाई होनी चाहिए, सॉलेबिलिटी लाइम की लो होनी चाहिए, सोडा की हाई होनी चाहिए, इन सबको आपको माइंड में रखना होगा। जो न्यूट्रलाइज़र है उसको हम ड्राई नहीं होना चाहिए जब ऐड कर रहे हैं, उसको पहले हम डिज़ोल्व करेंगे, सस्पेंड करेंगे क्लीन या फिर पोर्टेबल वाटर में, मिक्स करने के बाद फिर को उसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है क्विकली एंड यूनिफॉर्मली हम क्रीम में उसको ऐड करते हैं एंड उसके बाद मिक्स करते हैं बाय स्टिरिंग विगरेसली। ठीक है, जो टेम्परेचर है क्रीम का जब न्यूट्रलाइज़र ऐड करते हैं वो 29 से लेके 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए एंड हम 5 से लेके 10 मिनट तक स्टिरिंग करते रहेंगे आफ्टर एडिंग द न्यूट्रलाइज़र, देन द क्रीम शुड बी पैस्चराइज्ड, चेकिंग रिजल्ट बाय रीटेस्टिंग एसिडिटी। तो जो क्रीम एसिडिटी है वो उसको उसके बाद हम करेक्टली न्यूट्रलाइज़र ऐड करने के बाद चेक करेंगे कि अब एसिडिटी कितनी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल होता है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ क्रीम विद सोडियम बाइकार्बोनेट, जो फ्रेश क्रीम होती है उसमें कुछ डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है जो कि एसिड क्रीम में प्रेजेंट होती है मोर ऑफ इट। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट करती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ड्यूरिंग टाइट्रेशन एंड हायर एसिडिटी टेस्ट है जो शो करती है, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट करता है सोडियम बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज़र के साथ एंड कॉन्सिक्वेंटली ओवर न्यूट्रलाइजेशन रिजल्ट होता है, डबल न्यूट्रलाइजेशन विद लाइम एंड सोडा। तो डबल न्यूट्रलाइजेशन भी कर सकते हैं लाइम एंड सोडा के साथ, फर्स्ट हम लाइम न्यूट्रलाइज़र को ऐड करेंगे एसिडिटी कितनी एसिडिटी तक 0.3 से लेकर 0.4% तक, नेक्स्ट यूज़ करेंगे सोडा न्यूट्रलाइज़र टू ब्रिंग द क्रीम एसिडिटी डाउन टू द डिज़ायर्ड लेवल। नेक्स्ट है जी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्रीम। तो स्टैंडर्डाइजेशन करना क्या होता है क्रीम को, जब हम क्रीम के फैट लेवल को एडजस्ट करते हैं डिज़ायर्ड परसेंटेज तक उसे हम स्टैंडर्डाइज्ड क्रीम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे किया जाता है, फर्स्टली इसमें एक प्रॉब्लम दे के बताया गया है, जो फैट परसेंटेज है क्रीम में उसको एडजस्ट किया जाता है प्रिस्क्राइब्ड लेवल है जो एडिशन ऑफ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ स्किम मिल्क का उसके साथ। तो ये एक प्रॉब्लम लेके बताया गया है, जैसे कि 1000 किलोग्राम क्रीम है जिसकी जो टेस्टिंग 50% फैट है, हाउ मच स्किम मिल्क हम उसमें टेस्ट करेंगे 0.1% फैट जो कि ऐड करनी है ऑब्टेन करने के लिए 40% फैट इन द स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क। तो इसमें हमें 39.9 parts है जो बाय द वेट ऑफ 50% क्रीम चाहिए एंड जब हम मिक्स करते हैं 10 parts ऑफ वेट ऑफ 0.1% स्किम मिल्क विल गिव 49.9 parts बाय वेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड 40% क्रीम। तो 39.1 ratio 10 इज इक्वल टू 1000 ratio S। तो अब हम पढ़ेंगे पैस्चराइजेशन ऑफ क्रीम। पैस्चराइजेशन ऑफ क्रीम ये एक प्रोसेस होता है जिसमें एवरी पार्टिकल ऑफ क्रीम को हीट किया जाता है नॉट लेस देन 71 degrees Celsius एंड होल्ड करके रखा जाता है इसी टेम्परेचर पे 20 मिनट के लिए। ठीक है, ये एक सूटेबल टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है पैस्चराइजेशन का, जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना ताँ जो हम जो क्रीम है उसे सेफ फॉर ह्यूमन कंसप्शन बनाया जा सके, जो अनडिज़ायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं एंड एंजाइम्स हैं उनको भी इनएक्टिवेट करना एंड जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना एंड एलिमिनेट करना गैशियस टेंटिंग सब्सटेंसेस को एंड जो कुछ वोलेटाइल ऑफ फ्लेवर्स प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग बैक्टेरिएशन सच एज फीड एंड वीड फ्लेवर उनको भी रिमूव करना। ठीक है, इसमें जो पैस्चराइजेशन है वो 3 methods बताए गए हैं। फर्स्ट इज़ अ होल्डर पैस्चराइजेशन। होल्डर पैस्चराइजेशन में 71 degrees Celsius टेम्परेचर होता है, ये एक बैच प्रोसेस होता है जिसको 20 मिनट के लिए किया जाता है।
ठीक है। उसके बाद HTST हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पैस्चराइजेशन, इसमें क्या होता है कि 95 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 15 से 16 सेकंड के लिए मिल्क को होल्ड करके रखा जाता है। इसमें हम प्लेट पैस्चराइजर का यूज़ करते हैं जो कि बेस्ट होता है सूटेड टू फ्रेशली सेपरेटेड स्वीट क्रीम देन न्यूट्रलाइज्ड क्रीम। नेक्स्ट होता है एक वैक्यूम पैस्चराइजेशन। वैक्यूम पैस्चराइजेशन में दिस इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड नोट वर्दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैक्यूम पैस्चराइजेशन इज दैट इज डल्यूशन ऑफ अ इनिशियल क्रीम टेक्स प्लेस एंड फैट टेस्ट मे बी लोअर्ड बाई 6-8%। दिस इफेक्ट हैज़ टू कैप्ट इन व्यू वेन स्टैंडर्डाइज्ड क्रीम। तो अब हम पढ़ेंगे जो डिफरेंट टाइप्स की क्रीम हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। फर्स्ट है जी स्टरलाइज्ड और कैंड क्रीम। इसमें पहले हम फ्रेशली जो स्वीट क्रीम है उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, 20% फैट लाते हैं उसमें, उसके बाद उसको प्री हीट किया जाता है 80 डिग्री सेल्सियस तक विदाउट होल्डिंग, एंड उसके बाद डबल होमोजनाइजेशन की जाती है एट 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उसके बाद इमिडिएटली उसे कूल कर लिया जाता है 16 डिग्री सेल्सियस पे, एंड उसको टिन कैंस में इमिडिएटली फिल कर दिया जाता है, फिर स्टरलाइज किया जाता है रिटॉर्ट्स में, ठीक है, रिटॉर्ट्स में उसको स्टरलाइज किया जाता है। नेक्स्ट है जी प्लास्टिक क्रीम। प्लास्टिक क्रीम में पहले हम रीसेपरेटेड करते हैं जो नॉर्मल क्रीम है, नॉर्मल क्रीम सेपरेटर से उसको रीसेपरेट किया जाता है जिसमें 30-40% मिल्क फैट प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो सेपरेटेड मिल्क है उसको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है प्लास्टिक क्रीम सेपरेटर में। तो इसमें जो दोनों केसेस हैं उसमें पैस्चराइज किया जाता है दोनों को 71 से लेकर 77 डिग्री सेल्सियस तक 15 मिनट के लिए, एंड कूल किया जाता है 60 से लेकर 66 डिग्री सेल्सियस तक बिफोर सेपरेशन। नेक्स्ट इज़ द फ्रोज़न क्रीम। फ्रोज़न क्रीम क्यों बनाते हैं? कीपिंग क्वालिटी ऑफ क्रीम ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, एक कीपिंग क्वालिटी है जो उसको इम्प्रूव करने के लिए, एंड टू स्टोर सरप्लस क्रीम फॉर यूज ड्यूरिंग शॉर्टेज मेनली यूज बाई आइसक्रीम मैनुफैक्चरर हु एड सुक्रोज टू क्रीम बिफोर फ्रीजिंग टू प्रिवेंट ऑयलिंग ऑफ आफ्टर थॉइंग। तो इसको कैसे बनाया जाता है? पहले तो हम स्टैंडर्डाइज करते हैं क्रीम को 50% फैट है उस वाली क्रीम को, फिर उसको पैस्चराइज किया जाता है एंड देन कूल एंड देन फ्रीज कर दिया जाता है क्विकली 12 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे नीचे, ठीक है। तो उसके बाद क्रीम आती है जी क्लॉटेड क्रीम। जो क्लॉटेड क्रीम है उसमें क्या करते हैं, 77 से लेके 88 डिग्री सेल्सियस पे क्रीम को हीट किया जाता है शैलो पैन में, एंड कूल करने दिया जाता है स्लोली। उसके बाद जो सरफेस लेयर है उसमें क्लॉटेड क्रीम प्रेजेंट होती है जिसको हम स्किम्ड ऑफ कर लेते हैं एंड स्टेन कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ अ सोर क्रीम। सोर क्रीम एक हैवी बॉयडेड राइपन क्रीम होती है जिसमें हाई एसिडिटी प्रेजेंट होती है, क्लीन फ्लेवर एंड स्मूथ टेक्सचर होता है, इनाकुलेटेड स्वीट एंड पैस्चराइज्ड एंड होमोजनाइज्ड क्रीम का विद अ कल्चर ऑफ लैक्टिक एसिड एंड अलाउइंग फर्मेंटेशन टू प्रोसीड अंटिल दीज डिजायर्ड क्वालिटीज आर ऑब्टेन। एक होती है जी सिंथेटिक क्रीम। जो सिंथेटिक क्रीम होती है वो मिक्सचर होती है फ्लोर एग योक एंड शुगर एंड वाटर एंड वेजिटेबल फैट का, उसमें हम ग्राउंडनट फैट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्रीम को बनाने के बाद पैकेजिंग होती है। जो टेबल क्रीम है उसको रिटेल सेल इन यूनिट्स में पैकेज किया जाता है, ठीक है, जैसे कि ग्लास बॉटल्स होगी, पेपर कार्टन्स, LDPE सच एंड प्लास्टिक बॉटल्स। उसके बाद हम क्रीम को स्टोर कर देते हैं 5-10 डिग्री सेल्सियस पे जब तक एज डिस्ट्रीब्यूटेड एज पॉसिबल, ठीक है। तो कोल्ड स्टोरेज से 3 आवर पहले जब निकालने के बाद क्रीम को हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ जजिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ क्रीम। तो जो टेबल क्रीम है उसको स्कोर कार्ड से भी जज किया जा सकता है या फिर एग्जामिनेशन करना है तो उसका प्रोसीजर बताया गया है। पहले सैम्पलिंग एंड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो सैम्पलिंग है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले है जी सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले इसमें केयरफुली हम जो बॉटल कंटेनर है उसको रेफ्रिजरेटर से लेके
कोल्ड कोल्ड रूम से लेके लेबोरेटरी में वर्टिकल पोजीशन में विदाउट एजिटेशन पहुंचाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वहां पे हम नोट करते हैं पहले सीरम सेपरेशन, फिर नोट करते हैं सेडिमेंट तो नहीं है बॉटल के नीचे बॉटम पे, उसके बाद कंटेनर एंड क्लोजर ऑफ फुलनेस को हम ऑब्जर्व करते हैं, क्लीननेस कितनी है, जनरल अपेयरेंस कितनी है, उसके बाद स्क्योर करते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को बैक्टीरियल काउंट से, एंड उसके बाद हम टेम्पर करते हैं क्रीम को 10 डिग्री सेल्सियस पे, एंड विस्कोसिटी को डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद 20 ml क्रीम लेके 100 ml बीकर में उसको वार्म किया जाता है एंड स्मेल करके देखा जाता है, ठीक है, टेस्ट भी करके देखा जाता है। तो उसके बाद हमें टाइट्रेबल एसिडिटी है जो फैट की उस एंड फैट उसको डिटरमाइन करना होता है, ठीक है। ये जो कुछ डिफेक्ट हैं जैसे कि ऑयलिंग ऑफ एंड फैदरिंग इन कॉफ़ी, इन सब को भी टेस्ट करना होता है। तो जो हाई ग्रेड टेबल क्रीम होती है उसके लिए रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं, उसमें क्लीन होनी चाहिए, स्वीट प्लीजेंट नटी फ्लेवर, जो बॉडी है वो स्मूथ होनी चाहिए, एंड यूनिफॉर्म एंड रीजनेबल विस्कस अमाउंट है जो फैट की वो भी प्रेजेंट होनी चाहिए, फिजिकल अपेयरेंस है जो क्रीम की हाई ग्रेड टेबल क्रीम की वो भी गुड होनी चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे डिफेक्ट इन क्रीम एंड देयर कॉजेज एंड प्रिवेंशन। तो क्रीम में कौन कौन से डिफेक्ट आ सकते हैं, किस टाइम पे वो डिफेक्ट आ सकते हैं, क्यों आते हैं, कैसे प्रिवेंट करते हैं। फर्स्ट जो टेबल क्रीम है उसमें फ्लेवर डिफेक्ट आती हैं। कौन कौन से फ्लेवर डिफेक्ट, कुक्ड फ्लेवर, फीड एंड वीड का फ्लेवर, हाई एसिड सोर एंड ऑक्सीडाइज्ड मेटेलिक फ्लेवर, या फिर रेंसिड फ्लेवर। तो कुक्ड फ्लेवर क्यों आता है, जब पाश्चराइजेशन का टेम्परेचर है या फिर पाश्चराइज्ड ज़्यादा हो जाती है जब क्रीम, तभी आता है, तो उसके टेम्परेचर को हमें मेंटेन करना होगा। दूसरा फीड एंड वीड का, अगर मिल्क निकालने से पहले 3 आवर पहले ही फीड एंड वीड है जो खिलाए हैं मिल्च एनिमल को, तभी फ्लेवर है जो मिल्क में आता है। तो इसमें इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना होता है, जितना हो सके खाना है जो बाद में खिलाना है मिल्च एनिमल को, या फिर बहुत पहले खिला देना है। नेक्स्ट इज़ अ हाईली एसिड सोर। तो जो सोर मिल्क है सोर मिल्क को जब हम सेपरेट करते हैं तभी ये फ्लेवर आ सकता है, इसलिए हमें जो फ्रेश स्वीट मिल्क को यूज़ करना चाहिए। उसके बाद जो मेटेलिक फ्लेवर है वो भी आ सकता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाती है डायरेक्ट कंटेंट ऑफ मिल्क विद कॉपर और आयरन एंड एक्सपोजर ऑफ मिल्क और क्रीम टू सनलाइट। तो प्रॉपर थिनिंग होनी चाहिए मिल्क और क्रीम होल्डिंग वेसल्स की, एंड उसमें हम एल्युमिनियम अलॉय यूज़ कर सकते हैं। रेंसिड फ्लेवर क्यों आता है, जब फैट हाइड्रोलिसिस हो जाती है लाइपेज एक्शन होने की वजह से इन मिल्क और क्रीम पे, ठीक है। तो वैक्यूम पैश्चराइजेशन करनी चाहिए क्रीम की, इनएक्टिवेट कर देना चाहिए लाइपेज को, एंड प्रॉपर पैश्चराइजेशन करनी चाहिए क्रीम की। नेक्स्ट बार्नी फ्लेवर आता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, बिटर फ्लेवर आता है, चीज़ी कोर्स एसिड सोर, एंड कुक्ड फ्लेवर आता है, फ्रूटी फ्लेवर आता है। ये क्यों होता है एंड कैसे होता है, तो जो बैनी फ्लेवर है वो पुअर वेंटिलेशन है, अगर क्रीम मिल्क बार्न में तभी बैनी फ्लेवर आता है। तो वेंटिलेशन है जो अच्छी होनी चाहिए एंड मिल्क है जो प्रॉपरली कवर होना चाहिए ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो उसके बाद बिटर फ्लेवर क्यों आता है, अगर मिल्च एनिमल ने बिटर वीड्स खाए हैं तभी आ सकता है, ठीक है। तो उससे पहले ही हमने इस पे तो बात की है। चीज़ी फ्लेवर क्यों आता है, जब प्रोटोलिटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है एंड केजियन की ब्रेक डाउन हो जाती है तो चीज़ी फ्लेवर आता है। तो हमें मिल्क को 5 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर देना होगा एंड इसके नीचे हमें फिर चेक करना होगा बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है या नहीं। तो उसके बाद है कोर्स एसिड सोर, तो अनकंट्रोल्ड एसिड डिवेलपमेंट हो जाती है जब क्रीम में तभी ये फ्लेवर आता है, एंड स्टोर करते हैं हम क्रीम को इसमें 5 डिग्री सेल्सियस पे एंड एसिड डेवलपमेंट चेक करते हैं। फ्रूटी फ्लेवर क्यों आता है, क्योंकि ये कई बार डेवलपमेंट हो जाती है बाय प्रोडक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो फ्रूटी फ्लेवर आता है। तो हमें 5 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर देना होता है क्रीम को। यूटेंसिल, अगर डर्टी यूटेंसिल यूज़ किए हैं तो वेल क्लीन यूटेंसिल्स को यूज़ करना होता है। ईस्टी फ्लेवर क्यों आता है, क्योंकि ग्रोथ हो जाती है लैक्टोज फर्मेंटिंग ईस्ट की।
तो जो क्रीम है उसको हम टेबल कॉफ़ी या फिर व्हिप्ड क्रीम के तौर पे भी यूज़ करते हैं, स्पेशल डिशेस को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इंडियन कल्चर में भी, एंड प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फ्रोजन एंड कल्चर्ड क्रीम्स को बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो मैन्युफैक्चर है बटर, क्रीम, चीज़, आइसक्रीम, बटर ऑयल एंड घी, इन सब को भी मैन्युफैक्चर करने के लिए क्रीम को यूज़ किया जाता है। एंड जो कॉटेज चीज़ होता है उसको भी क्रीमिंग करने के लिए हम क्रीम को यूज़ करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने स्टडी किया डिटेल में क्रीम के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।